My name खुशहाली कच्ची, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल। हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। मार्केट का ये जो है पार्ट सी, लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का, और आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कॉमेंट में स्पेशली अगर आपको लिखना है तो इस बार मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो लिखना है तो आप परफेक्ट लिख सकते हो। देखो ये ही परफेक्ट नहीं रहा, बट स्टिल ठीक है। अब परफेक्ट लिखो तो जिसके वजह से मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने ये वीडियो प्रॉपरली देखा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देख रहे हैं, उसमें कंपटीशन में दो कंपटीशंस हैं ठीक है, जो बाकी है। बाकी ये तो हमारा लेक्चर नंबर 2 में हो चुका है, पार्ट बी में मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के बारे में देखते हैं। ये 3 और 5 मार्क में आ सकता है, ये भी जो है वो आ सकता है 5 मार्क में, इसकी भी पोटेंशियल 5 मार्क की, ये भी 5 मार्क में आ सकता है, पर इसके भी 6 ही पॉइंट है तो 3 मार्क में भी जाता है। ओलिगोपोली तो 5 मार्क्स में ही आ सकता है, पर इसके अंदर का जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों के दिल के करीब वाला क्वेश्चन ओलिगोपोली में हम लोग देखने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जब बातचीत होती है तो हमारा जो नॉर्मल मार्केट जो है, जो हम आजू बाजू देखते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम लोग ज़्यादा देखते हैं ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे एग्जिस्ट नहीं करते, पर नॉर्मली जो है मोनोपोलिस्टिक हमारे, हम लोग अगर जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तब आपको लगेगा ओ मैम हम तो ये रेगुलरली देखते ही हैं, बस यही वाला मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेलर्स मिलते हैं ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम लोग देखते हैं क्या करते हैं ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे ऐसी कंपटीशन है जहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को दिखने मिलती है, पार्शियल मोनोपोली और पार्शियल परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए मैंने मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन पहले ही समझा दिया, तो लेक्चर नंबर 2 आप जो है ये चैप्टर नंबर 6 का वो देख कर आना। वो रीज़न इसीलिए है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट ठीक है, और इसी वजह से इसे मोनोपोलिस्टिक, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत दिखे ना? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? उतने ज़्यादा नहीं, बट स्टिल आपको दिखेंगे। A few moments later. आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। iOS और Android की एप्लीकेशन है, कौतल्य नाम की बैच है, वहाँ पे एक कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता है मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है, दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज़ रहेंगे वो सेम जो आप लोग को ये यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, वो डॉक्टर उदयन कच्ची जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएं। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय-बाय, सी यू टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। अब जाते हैं हम लोग आगे, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब सबसे पहले सिंपल सा एक जो है, जो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और न्यूमरस बायर्स, ये दोनों ही यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, मतलब प्रोडक्ट्स अगर ये सारे ऐसे कुछ हिसाब से बॉक्सेस है तो इसका कुछ साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, प्रोडक्ट कुछ अलग हिसाब से आपको प्रेजेंट किया जाएगा। हो सकता है एक डीलर बॉक्स ही बेच रहा है पर कुछ ऐसा बेच रहा है, दूसरा जो है वो ऐसा कुछ बेच रहा है, तीसरा जो है वो ऐसा कुछ बेच रहा है, तो हो सकता है कोई भी चीज़ फ्रेग्रेंस अलग हो जाए उसका, अगर कुछ खाने की प्रोडक्ट है या कुछ ऐसा है तो टेस्ट उसका कुछ डिफरेंट हो जाए।
साइज अलग कुछ करके बैठे, या ऐसे ही बॉक्सेस है तो इसका कुछ साइज बड़ा होगा छोटा होगा, बॉक्सेस ही बेच रहे हैं पर कुछ अलग करके दे रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ये वाला टॉपिक जो है, चलो मेरे को बताओ कमेंट में ये कहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है, कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है। सेम चीज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, मुझे कमेंट में बताओ कौन सी कॉम्पिटिशन, दो ही आपके पास ऑप्शन है, परफेक्ट या मोनोपोली, कौन से कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने ये वाला पॉइंट देखा है। और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है सेम चीज़, यहाँ पे वो ही चीज़ आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके देख कर आओ ये वाले में क्या हम लोगों ने बातचीत की है। अब जाते हैं हम लोग आगे, उसके बाद आता है यहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ जो है वो है सेलिंग कॉस्ट। दोनों में हम लोगों ने नहीं देखी, ना परफेक्ट में देखी ना मोनोपोली में देखी, पर हम लोगों ने सेलिंग कॉस्ट इसमें ही देखी है। क्या है सेलिंग कॉस्ट? तो सेलिंग कॉस्ट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे पैकेजिंग का खर्चा, वो प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनानी है, जैसे ये ही दो प्रोडक्ट है कितनी अलग लग रही है, ठीक है, दोनों बेच के आ रहे हैं, सोप ही बेच रहे हैं पर कितना अलग है, तो उसमें सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें, शोरूम के एक्सपेंसेस क्या क्या है, प्राइजेस, गिफ्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। बट एक चीज़ इंक्लूड नहीं होती, वो याद रखना, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बाकी सारी चीज़ें सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें अगर ये सोप बेच रहे हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, तो ये एक्सपेंसेस के नाम आपको याद रखने हैं, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे कंपटीशन अदर देन प्राइस। प्राइस पे तो भाई वो तो कंपटीशन नहीं होता, पर कंपटीशन किसके बेसिस पे होता है, हो सकता है शायद एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर है, ठीक है, उसमें सेलिब्रिटी एंडोर्स करने आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपटीशन करेंगे। अगर कोई सोप है तो हो सकता है कि राजकुमार राव आके बोले कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा सोप है, हो सकता है दूसरे कहीं पे आयुष्मान खुराना आके बोले, ठीक है। तो सोचो प्राइस तो दोनों का हो सकता है कि साबुन का प्राइस दोनों का 40-50 रुपीज़ का है, पर वहाँ पे कंपटीशन किसके बेसिस पे, दूसरे ही पैरामीटर्स पे। प्राइस पे यहाँ पे कंपटीशन नहीं होती, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर्स पे भी होती है, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पे वो लोग उसके बेसिस पे, उसके पैरामीटर पे वो लोग कंपटीशन क्रिएट करते हैं। देन आता है कि यहाँ पे आया पॉइंट इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको मार्केट के बारे में आधी चीज़ें नहीं पता होगी कि आधे ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं सोप में, साबुन में आप देख लो, या तो फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट उठा लो जैसे आपको लगे ओ ऐसी भी ब्रांड मिलती है हमारे कंट्री में, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज है। पर परफेक्ट नॉलेज वाला कहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट देखा था, हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था, जहाँ पे लोगों को सारी नॉलेज होती थी, द ओनली रीज़न वॉज कि वहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बिकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कंप्लीट होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब जाते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली मतलब वापस से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओलिगोस मतलब फ्यू और पोलियन मतलब सेलर्स। यहाँ पे देखा जाएगा तो बहुत कम सेलर्स होंगे और बहुत सारे बायर्स होंगे, ठीक है, इसीलिए ये वाले कंपटीशन को बोला जाता है ओलिगोपोली। तो काफ़ी लोगों को बोलने में भी पहले ऐसा होगा इसको कैसे प्रोनाउंस के, और काफ़ी लोग तो सुन के हंसते भी है कि ओलिगोपोली, पर ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद आपको आप लोग भी खुद ओलिगोपोली, ठीक है। तो ओलिगो फ्यू सेलर्स, अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोगों को ये सारी नोट्स चाहिए तो आप ukicyonline.com पे जा सकते हो, एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन भी है ukicyonline की, और वहाँ से आपको कौतिलीय बैच करके जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स है, वहाँ पे जाके आपको ये सारी नोट्स मिल जाएगी, तो आपको लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली देख, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ही कम है, 3-4-5-6 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे उसके क्या है बायर्स है वो चीज़ के। तो हम लोग जाते हैं आगे, तो यहाँ पे वो लोग कौन सी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, वैसे प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो सिमिलर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो, सिमिलर और सब्स्टिट्यूट मतलब एक जैसे ही प्रोडक्ट्स वो लोग बेच रहे होंगे, ठीक है, जिसे बोला जाता है सिमिलर या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। देन जाते हैं आगे, एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स जो है, यहाँ पे अगर फ्री ओलिगोपोली रहेगा, दो आपको पता होने चाहिए, फ्री ओलिगोपोली और रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली। फ्री ओलिगोपोली होगा तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होगा, रिस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली है तो यहाँ पे आपके एंट्री और एग्जिट पे भी आपको परमिशन लेके, आपको लाइसेंस लेके आपको एंट्री मिलेगी अगर आपको डील करना है इस चीज़ में। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने मोनोपोली में पढ़ा वो का वही कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉस्ट में, और आपका कंटेंट भी सेम है, एक चीज़ आपको ऐड नहीं करनी होती है, वो है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सेलिंग कॉस्ट में।
उसके बाद यहाँ पे जितनी भी फर्म्स होगी, क्योंकि बहुत कम फर्म्स होती है, इसलिए ये लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे की सारी चीज़ों पे ध्यान रखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तेरा तो गेम बजाना, ठीक है, उसने कौन सी नई स्कीम निकाली, उसने कौन सा ऑफर निकाला, क्योंकि 3-4-5-6 लोग ही बेच रहे हैं, तो वो तो एक दूसरे पे तो ध्यान रख ही पाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा. Now the main question arises about price stickiness. This is the one of the most important questions. जो हर कोई पूछता है और आपके टेक्स्ट बुक का ही ये है जहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है. किंग डिमांड कर्व भी उसे बोला जाता है, ठीक है, किंग डिमांड कर्व, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं आपको प्रॉपरली देख रही हूँ, किंग डिमांड कर्व भी बोला जाता है. तो इसे प्राइस स्टिकीनेस कैसे किस हिसाब से होते हैं, देखो भाई क्या होते हैं, बहुत कम सेलर्स हैं इसलिए एक दूसरे को देखते रहते हैं, अगर एक भाव घटाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत भाव डिक्रीज भी करते हैं, एक लेवल के बाद वो भाव नहीं कम करने वाले, इसलिए डिमांड का थोड़ा कुछ इस हिसाब से हो जाता है, और इसीलिए इसे बोला जाता है किंग्ड डिमांड का. सो इफ सपोज अगर आपको 3 मार्क्स में ये चीज़ पूछ ले, ये आपको यही हिसाब से एक्सप्लेन करना है, अगर आपको ये 3 मार्क्स में पूछ ले तो पहले तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन. ये 3 मार्क्स में पूछते हैं, ये लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था ये लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, तो ये पूछते ही रहते हैं. तो इस हिसाब से आपको करना है कि सारे लोग एक दूसरे के देखेंगे, प्राइस रिड्यूस करेंगे, पर एक लेवल के बाद वो प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद वो उनको सस्टेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे. तो ये जो चीज़ है, और दूसरी चीज़ क्यों प्राइस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लोग भी भाव नहीं कम करेंगे तो कोई दूसरा, दूसरी जो कंपनी है, दूसरा सेलर वो उनके कस्टमर को ले जाएगा, और इसी वजह से सारे लोग कम करते हैं और बाद में एक टाइम के बाद वो नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत नीचे करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो एक चीज़ समझो, बहुत नीचे हो जाएगा तो वो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, ठीक है, तो वो कंपनी को तो बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही है जो बिजनेस का मतलब क्या है, कि बिजनेस जो है उसको रन करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस चलेगा कैसे, तो वो तो बिजनेस बंद हो जाएगा. तो इस वजह से ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है जिसे बोला जाता है प्राइस स्टिकीनेस, जो ओलिगोपॉली में देखने मिलता है. तो हम लोगों ने टोटल इतने सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मोनोपोली, मोनोपोली स्टिक और ओलिगोपॉली, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 6. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय. क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते, ये सच है? जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर.